हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स भी यार कई प्रकार के होते हैं। एक शॉर्ट नोट जो होता है जिसमें बिल्कुल डिटेल में मतलब डिटेल शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट वो होता है जो कि बिल्कुल ही एंड वक्त के रिविजन के टाइम काम आता है। मैंने जो बनाए थे यार वो थे एंड वक्त के रिविजन के टाइम की क्या करें कि ऐसा 5 मिनट पढ़े और पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो यार उस पर मैं बात करने वाला हूँ। जो डिटेल शॉर्ट नोट होते हैं यार वो बाद में कभी बता दूंगा। आज दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तर एक शॉर्ट नोट जो हमारा जो हम बनाएंगे उसे काइंड ऑफ क्विक नोट भी कह सकते हैं, क्विक रिवीजन नोट मैं जिसे नाम देता था, क्योंकि उन्हें पढ़ के यार 5 मिनट में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाता था। सर कैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है। जब आप रिवीजन करोगे तो अपनी थ्योरी कहीं से भी पढ़ोगे, चाहे आपकी कोचिंग के नोट्स हो गए या फिर आपका बुक हो गई कोई भी, आप उससे जब थ्योरी पढ़ोगे तो साइड में यार एक बार अपने नोटबुक साथ लेके बैठना और जो फॉर्मूला दिख रहा है उसे लिख दिया, जो कोई केस दिख रहा है केस लिख दिया। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं एग्जांपल दूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मॉडल से पहले ज़्यादा थ्योरी है नहीं और ना मैंने थ्योरी लिखी, सिर्फ जो सारे फॉर्मूले थे वो सारे टेप लिए और उसके बाद क्या किया जो क्वांटम मॉडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर मैंने शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन नोट्स अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप नीचे वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कैसे एग्जांपल। बट अगर छोटा सा मैं बताऊं, एक समरी, ब्रीफ समरी दूं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक छोटा सा मतलब फॉर्मूले लिखे। फॉर्मूले लिखने के बाद नेसेसरी नहीं है कि आप एग्जांपल लिखो उस फॉर्मूले का, क्योंकि फिर बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो जाएगी। बट कुछ फॉर्मूले होते हैं यार जो हमें बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, होते हैं कुछ फॉर्मूले ऐसे, तो उन्हें आप याद रखने के लिए कि एग्जांपल भी नीचे लिख सकते हो उसके। तो फॉर्मूले लिख लिए, एग्जांपल लिख लिए और इंपॉर्टेंट थ्योरी के बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यार कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम से एक और, इतना सा लिख दिया बस। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, आप सारी थ्योरी मत लिखना वो भी मैस बना देगा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है उनके ब्रीफ में छोटा सा एक दो वर्ड में एक्सप्लेन हो जाए कि वर्क पर एनर्जी थ्योरम क्या है कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, इतना सिंपल ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिए और फॉर्मूले का एग्जाम्पल लिख दिए। जब अगर कोई फॉर्मूला बहुत मैसी जा रहा है बस यार इतना कर लो, इतने शॉर्ट रिवीजन में मतलब पूरा चैप्टर फिल्टर होके आ जाएगा और अगर आप कभी पढ़ोगे इन्हें तो 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ट्राई करता हूँ यार मैं कि अपने सारे नोट डाल दूँ, बट मेरे नोट्स मतलब फैले हुए हैं, मतलब मेरे को ढूंढने में टाइम लगता है। जो नोट मेरे को मिल जाता है मैं वो डाल देता हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो बनाई थी कि अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आप खुद बना लें। तब तक के लिए यार सी यू ऑल द बेस्ट।